स्वामी सुमेधानंद जी मुझे ये बताइए कि आरएसएस से इनको इतनी चिढ़ क्यों है? ममता बनर्जी सही मायने में डर गई है। नहीं कर सकती है, हमारी सत्ता आएगी फिर आएगी, एपीएम का ही बटन दबा हो जाएगा सीधा कमल के फूल। अब हमारे विरोधी लोग कहते हैं मोदी मनहूस है, अरे मजदूर है। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी बात गोदी मीडिया में हुए कुछ मजेदार किस्सों की करेंगे। हर रोज कोई ना कोई मुद्दा मीडिया की सुर्खियां बटोरता है। देश में इन दिनों काफी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। सरकार के खिलाफ पहले किसान आंदोलन शुरू हुआ, फिर स्टूडेंट्स का आंदोलन और अब बैंक कर्मचारियों द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। एक प्रोटेस्ट की वीडियो काफी वायरल हो रही है जिसमें अनोखे अंदाज में प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जरा देखिए। आपके जेब में थोड़ा बहुत पैसा बचने लगा कि नहीं बचने लगा? नहीं बचने लगा। आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। अब हमारे विरोधी लोग कहते हैं मोदी मनहूस है, अरे मजदूर है। पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? नहीं हुए। ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताइए। नहीं हुए। पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? नहीं हुए। एक वीडियो उमर खालिद का भी काफ़ी वायरल हो रहा है जिसमें उमर खालिद के साथ पुलिस है और पत्रकार उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं और उमर खालिद मीडिया को सच दिखाने को कह रहे हैं। Very right case, and now this one. What do you have to say, Umar? Umar Khalid. Umar, it's easy to accuse the media, Umar, but what do you have to say? What do you have to say about this? अब बात अर्णब गोस्वामी की भी कर ही लेते हैं। रिपब्लिक ने एक नया चैनल लॉन्च किया है जिसका नाम है रिपब्लिक बांग्ला। हाल ही में बंगाल में चुनाव होने वाले हैं तो इस वजह से इस चैनल के लॉन्च पर सवाल तो उठ ही रहे हैं, पर जब रिपब्लिक चैनल के पत्रकार बंगाल की जनता के बीच पहुंचे तो लोगों ने उनका विरोध भी करना शुरू कर दिया। रिपब्लिक भारत का सीधा सीधा बॉयकॉट किया जा रहा है, उसको भगाया जा रहा है वहां से। रिपब्लिक बांग्ला को यहां से भगाया जा रहा है कि भाई गोदी मीडिया यहां पे नहीं चाहिए। अब बात बैंक स्ट्राइक की करते हैं। दो दिन बैंक की सारी गतिविधियां तकरीबन बंद ही रही। बैंक के निजीकरण को लेकर सरकारी बैंक के कर्मचारी हड़ताल पर निकले और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया, पर इस बीच मेनस्ट्रीम मीडिया कहां था? इस मुद्दे पर डिबेट तक नहीं देखने को मिली। आप भी देखिए तब मीडिया किन डिबेट में व्यस्त था। स्वामी सुमेधानंद जी मुझे ये बताइए कि आरएसएस से इनको इतनी चिढ़ क्यों है? हर चीज का कारण आरएसएस है। क्या बीजेपी के हिंदुत्व वाले जाल में ममता बनर्जी फंस गई हैं? क्या ममता बनर्जी सही मायने में डर गई हैं? योगी की छवि एक राम भक्त की है, वो अपने समर्थकों को कट्टर हिंदू दिखते हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से बोला राहुल गांधी पे उन्होंने अटैक किया, उन्होंने बोला जैसे नमाज पढ़ते हैं वैसे वो मंदिर में चले जाते हैं। ताल ठोक के स्पेशल एडिशन का बड़ा सवाल यही है कि क्या बंगाल में धर्म युद्ध से अशोल परिवर्तन यानी असली परिवर्तन होगा? प्रधानमंत्री मोदी की माँ हीराबेन को शुरू से ये लगता था कि उनका बेटा एक दिन देश का प्रधानमंत्री बनेगा। खरा सोना हमेशा खरा सोना ही रहता है, कभी बदलता नहीं। उसकी जो शुद्धता होती है वो हमेशा वैसी ही रहती है। मुझे बड़ा अफसोस है कि आप अपने आप को राष्ट्रवादी लिबरल मानते हैं। ये कौन सी मानसिकता है? जिहादी है, आतंकी है, कट्टरपंथी है, कट्टरवादी है और जाहिलता भरी, माफ कीजिए शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। गोदी मीडिया के पत्रकार अक्सर सरकार के बजाय सवाल विपक्ष के नेताओं से करना पसंद करते हैं। हाल ही में इंडिया टीवी की पत्रकार अलका लांबा से सवाल करती दिखाई दी। प्रधानमंत्री की आलोचना करने को लेकर पत्रकार ने अलका लांबा को उलझाने की कोशिश की, पर उल्टा अलका लांबा ने ही पत्रकार को उलझा दिया। प्रधानमंत्री जी का वो वीडियो चला दीजिएगा जब भाजपा कार्यालय में जश्न मनाने आकर मास्क उठाकर फेंक देते हैं, जब वो टीका लगवाने जाते हैं तो मास्क उठाकर फेंक देते हैं, जब वो जनसभाओं में जाते हैं प्रधानमंत्री जी गलत कर रहे हैं, मान रही है प्रधानमंत्री जी ने गलत किया, प्रधानमंत्री जी ने गलत किया। अगर मास्क कोई नहीं लगा रहा है आपको डर क्यों लग रहा है? आप कहिए देश के अगर प्रधानमंत्री
लगा रही है तो आप भी गलत है। नहीं मैं गलत हूँ, लेकिन क्या आप ये बोलने का दम रखती है हिम्मत प्रधानमंत्री जी? मोदी जी गलत है, जो 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 नरेंद्र आप मोदी मीडिया है, मोदी मीडिया है, प्रधानमंत्री की आवाज आप लोग है, आप यूएपीए लग जाएगा। मैं आपसे सहानुभूति रखती हूँ, आप डरी हुई है, आप डरी हुई है, मत लीजिए। अब जाते जाते एक मोदी भक्त को भी सुन ही लीजिए। भारत समाचार के एक पत्रकार ने देश में चल रही समस्याओं को लेकर एक मोदी समर्थक से बात की और अब आप खुद ही सुनिए उनके जवाब। एबीएम रहेगी और मैं जीतता रहूंगा, ये विपक्षी कुछ नहीं करेंगे, लाठी से इनको पिटवा भी देंगे। तो आप ऐसा क्यों, आप क्या भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूँ भाई, बिल्कुल बीजेपी कार्यकर्ता हूँ, बीजेपी कार्यकर्ता हूँ। राजनीति में साम दाम दंड भेद तीनों अपनाना पड़ता है तभी सत्ता आती है। तो जनता दंड दे देगी भाई इसमें, जनता दंड जनता कुछ नहीं कर सकती है, हमारी सत्ता आएगी फिर आएगी, कहीं बटन दबाओ जाएगा सीधा कमल के फूल। इनको जूम करके दिखा दीजिए एक बार, बुलेट से चलते बुलेट से चलते पेट्रोल महंगा तो नहीं लगता? नहीं बहु, अभी 150 में पहुंच जाए तो हमको सस्ता लगेगा, हमारी सरकार है। चलिए इनकी सरकार है तो खुश है, 150 क्या 500 भी पहुंच जाएगा तो भी दे देंगे बड़े। मीडिया को लेकर हर हफ्ते हम ऐसे वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। मीडिया का काम वैसे तो न्यूज देना है, लेकिन जब वो एंटरटेनमेंट कर रहा हो तो आपको भी इस एंटरटेनमेंट का आनंद ले ही लेना चाहिए। पंजाब टुडे रिपोर्ट। If you like our channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.